जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार्ट, जो इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाला एक प्रोडक्ट है। चार्ट सेल करने के लिए आपको कौन कौन सा गवर्नमेंट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगा, वो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो लाइसेंस आपको कितना दिन में रिसीव होता है और कैसे रिसीव होता है, डिटेल्स में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको मालूम ही होगा, इंडिया में गुपचुप के बाद जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है उसका नाम है चाट। तो चाट सेल करने के लिए पहला जो लाइसेंस की जरूरत होता है उसका नाम है FSSAI फूड लाइसेंस। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से आपको रिसीव होता है। उसका मिनिमम वैलिडिटी 1 ईयर और मैक्सिमम वैलिडिटी 5 ईयर के लिए होता है। आप जितने साल के लिए अप्लाई करेंगे उतने साल कंप्लीट होने के बाद फूड लाइसेंस को आपको रिन्यू करने की जरूरत होगा। अभी चलते हैं सेकेंड लाइसेंस। सेकेंड लाइसेंस जो लगेगा उसका नाम है MSME उद्योग रजिस्ट्रेशन। उसको ज्यादातर लोग उद्योग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है और आपको ये एक बार अप्लाई करना पड़ेगा और ये लाइफ टाइम आप इस लाइसेंस को यूज कर सकती हो। उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए मिलता है, उसका कोई रिन्यूअल करने की जरूरत आपको नहीं है। नंबर थर्ड पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है ट्रेड लाइसेंस। आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये इशू होता है। आपका जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो बिजनेस, आप चाट का बिजनेस जो स्टार्ट करोगे उसका जो परमिशन आपको मिलेगा उसको ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। आपका अगर चाट का बिजनेस अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में है तो म्युनिसिपालिटी आपको ट्रेड लाइसेंस इशू करके देगा। एनएससी एरिया में अगर आपका चाट का बिजनेस है तो एनएससी इशू करके देगा। अगर ग्रामीण एरिया में आपका चाट का बिजनेस है तो सरपंच ये ट्रेड लाइसेंस इशू करके देगा। तो ये था टोटल 3 लाइसेंस जो चाट बिजनेस के लिए लगता है। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो है FSSAI का फूड लाइसेंस, नंबर सेकंड पे जो है MSME उद्योग रजिस्ट्रेशन, नंबर थर्ड पे जो है ट्रेड लाइसेंस। ये तीनों लाइसेंस अगर आपको अप्लाई करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए, हम आपका चार्ट बिजनेस का लाइसेंस अप्लाई कर देंगे। अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा चार्ट बिजनेस का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा, जो ओनर होंगे ओनर का एक फोटो लगेगा, ओनर का आधार कार्ड, ओनर का पैन कार्ड लगेगा। और वो चार्ट का बिजनेस अगर खुद का प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं तो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल दे सकते हैं। अगर वो रेंट या फिर भाड़े पे किसी का शॉप लेके अगर कर रहे हैं तो जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो लगेगा। तो ये था डॉक्यूमेंट। अभी चलते हैं कितना दिन में मिलेगा और कैसे मिलेगा। ये 7 to 10 days, 7 से लेकर 10 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाता है। और अप्लाई करते वक्त जो आप ईमेल आईडी देते हो वो ईमेल आईडी पे PDF फॉर्मेट पे ये लाइसेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दुकान पे बस लगवाना है। आपको कोई भी सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस व्हाट्सएप पे हमको डॉक्यूमेंट देना है। आपका डॉक्यूमेंट लेके हम ये तीनों लाइसेंस अप्लाई कर देंगे और 7 से लेकर 10 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए और आपका चार्ट बिजनेस का लाइसेंस प्राप्त कीजिए। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा ये यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।